विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी एंड फैट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई के। अब एक एक करके मैं आपको यहाँ विटामिन लिख रहा हूँ, उसका सोर्स क्या है और उसकी डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, कि उसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है। सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं और ये रेटिना के लिए जरूरी है, मतलब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। सोर्स है कैरेट मिल्क, एक या दो इंपॉर्टेंट सोर्स लिखेंगे उसके। विटामिन ए रेटिनॉल कैरेट से मिलेगा और इसकी कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी वन की कमी से हो जाती है बेरी बेरी, मल न्यूट्रिशन की डिसीज है, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाना, अनाज ही नहीं मिल पाना। तो इसका मेन सोर्स है सीरियल्स, पल्स। विटामिन बी वन को हम थायमिन भी बोलते हैं। विटामिन बी सिक्स जिसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मिल्क से, फ्रूट से बी सिक्स मिलता है। और इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज, तो इससे होता है कन्वल्जन्स। कन्वल्जन मतलब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हाथों का कापना, मतलब वो कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन विल के कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। फिर आती है विटामिन बी12, इसका नाम है साइनो कोबालमाइन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके सेंटर पे कोबाल्ट है, इसलिए इसको बोला साइनो कोबालमाइन। विटामिन बी12, विटामिन बी12 की कमी से हो जाता है परनीशियस एनीमिया। इसका मेन सोर्स है मीट, एग एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब परनीशियस एनीमिया क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो विटामिन बी12 है ना, ये आरबीसी मैच्योरेशन का काम करता है, आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है, और ये जो आरबीसी है फिर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो परनीशियस एनीमिया में होता क्या है, बी12 की कमी हो जाती है जिससे आरबीसी मैच्योर नहीं होता, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, परनीशियस एनीमिया। फिर इसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी और ये मिलता है सिट्रस फ्रूट से। विटामिन सी के बाद अगला आता है विटामिन डी, जिसको हम एर्गो कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब कि जो बच्चों में बोन्स का टेढ़ा होना या फिर एडल्ट्स में बोन्स का डिग्रेड होना, तो एडल्ट्स में जो डिसीज होती है दैट इज ऑस्टियोमलेशिया, डिग्रेडेशन ऑफ बोन्स। और रिकेट्स क्या है, बेंडिंग ऑफ
बोन्स इन चिल्ड्रन। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट, फिर उसके बाद मीट। विटामिन डी का मेन सोर्स मिल्क, फिर विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से हो जाती है मस्कुलर वीकनेस। या विटामिन ई की कमी से एजिंग एजिंग बढ़ जाती है। अब विटामिन ई का मेन सोर्स है जोजोबा ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, फिर विटामिन के। देखो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेस विटामिन के। विटामिन के का मेन सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन के। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। स्कर्वी को हम ब्लीडिंग गम डिसीज भी कहते हैं, ब्लीडिंग गम डिसीज। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसीज और उसके बाद उसका सोर्स क्या है इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और इसमें कौन सी है? राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबो, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे राइबोज, राइबोज एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज मतलब इसमें पांच कार्बन है ना। अब पेंटोज इस राइबोज में से एक ऑक्सीजन हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो क्या बनेगा? डीऑक्सी राइबोज। तो चलो अब हम बात करते हैं डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। तो डीएनए, जो डीएनए है ये बनता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीन चीजों को मिलाकर डीएनए बनता है। नाइट्रोजन बेस में भी दो होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो एग्जाम्पल है एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन में थायमिन साइटोसिन। पॉइंट की बात यह है, डीएनए डीएनए के इस स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ एडेनिन हो गया, यहाँ गुआनिन हो गया, यहाँ थायमिन हो गया और यहाँ साइटोसिन हो गया। यहाँ पर ये क्या है? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, और इससे क्या जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा शुगर और इससे जुड़ेगा फॉस्फेट। तो ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन बेस, तो सॉरी एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट। अब इसके सामने याद रखना, ए के सामने टी ही आएगा, एडेनिन के सामने थायमिन ही आएगा और गुआनिन के सामने साइटोसिन ही आएगा। वैसे टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा। ए और टी डबल बॉन्ड बनाएंगे और जी और सी ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ए और टी डबल बॉन्ड, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डीएनए की दो स्ट्रैंड को जोड़कर रखेगा।
ये मेन स्ट्रैंड होगा, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब ये जो नाइट्रोजन बेस है ये दो स्ट्रैंड को जोड़कर रखने का काम करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर ऑफ डीएनए, मोनोमर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। मतलब नाइट्रोजन बेस, शुगर, शुगर इसमें होगी कौन सी, डी ऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट मिला के क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड, और मोनोमर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। वहीं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इसको कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा एक और न्यूक्लियोटाइड फिर नीचे होगा। अब देखो इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो लिंकेज होगा उसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो व्हाट इज फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, तो लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहां पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो लिंकेज है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब हम बात करते हैं डीएनए की और डिटेल में। जैसे हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में केवल एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ेगा, तो यहाँ एडेनिन और थायमिन होगा। वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमिन की जगह यूरैसिल होगा, तो डीएनए में यूरैसिल नहीं होगा और आरएनए में थायमीन नहीं होगा। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब आरएनए तीन तरह के हैं, सबसे पहले आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आर मतलब राइबोसोमल, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टी ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आता है, मैसेंजर आरएनए में कोडॉन है, मैसेंजर आरएनए में ये क्या है, कोडॉन। कोडॉन क्या होता है अब इसको समझना, कोडॉन स्पेसिफिक नाइट्रोजन सीक्वेंस की, थ्री नाइट्रोजन बेसिस की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। जैसे मैंने कहा एयूजी, ये स्टार्टिंग कोडॉन कहलाता है, एयूजी। अब टीआरएनए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड को लेकर आता है। देखो तीन काम है, आरआरएनए राइबोसोमल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर ये राइबोसोमल मैसेंजर से जुड़ जाता है। अब देखो ये फिनोमेना ऐसा होने वाला है,
ये राइबोसोम है, इससे मैसेंजर आरएनए जुड़ गया। अब इस मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन है इस तरीके से, जैसे मैंने कहा AUG, तो इसमें कौन सा टीआरएनए लगेगा? इसमें लगेगा UAC। तो ये जो टीआरएनए पर है इसको हम बोलेंगे एंटी कोडॉन, तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ये कोडॉन ये एंटी कोडॉन। तो कोडॉन होगा एमआरएनए पर, वही एंटी कोडॉन किस पे होगा? टीआरएनए पर। तो ये जो टीआरएनए है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आएगा, मतलब ये कौन सा अमीनो एसिड कैरी करने वाला, ये डिपेंड करेगा कि इसके नीचे एंटी कोडॉन की सीक्वेंस क्या है। मतलब हर टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करके साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक लाएगा। अब देखो इस तरीके से और टीआरएनए आते जाएंगे और यहां पर ये अमीनो एसिड को लाते जाएंगे। अब आपको पता है अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं? बाय यूजिंग पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड फॉर्म्स पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये जुड़ते जाएंगे और इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड या प्रोटीन। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें नीचे क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है। तो इस तरीके से आरएनए किसमें, आरएनए का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। यहां पर ये जो ए है, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, टी फॉर थायमीन और सी फॉर साइटोसिन, तो ये चार नाइट्रोजन बेसेस हैं, दो प्यूरीन है और दो पिरिमिडीन है। चलो अब डीएनए का स्ट्रक्चर अपन समझ लेते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल मॉडल है, यहां पर एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी जी से जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, एंड वॉटसन एंड क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, डीएनए सीक्वेंसिंग। अब देखो अगर डीएनए कुछ क्या, कई बीमारियां होती हैं जेनेटिक, डीएनए में अमीनो एसिड या नाइट्रोजन बेसिस चेंज होने की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डिसीज हो जाती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो इस तरह की जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सकता है अगर हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग पता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और वॉटसन एंड क्रिक ने जिस टेक्निक का यूज किया उसका नाम था एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला होता है एल लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। इस इक्वेशन का उन्होंने यूज किया, ब्रैक्स इक्वेशन। एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, तो ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताने के काम आए, सॉरी हाँ डीएनए का सर, स्ट्रक्चर बनाने के काम आए। ठीक है, एक्सरे हाँ क्रिस्टलोग्राफी वो टेक्निक है जिससे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया।